हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद शालू। तो आज मैं अपने डिनर की तैयारी कोई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस सोचा हल्का सा अपने किचन का लुक दिखा दूँ आप लोगों को। और जो आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ उसका मेन्यू बता दूँ आपको। तो जो जो मैं प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, चलिए उसकी झलक आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए फिर मैं क्या क्या बना रही हूँ मैं आप लोग को बता देती हूँ। आज के मेरे मेन्यू में है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मतलब जो और रायता, जो एक आइडियल खाना होता है, सब कुछ है। तो यहाँ पे एक कप के करीब मैंने चावल को पानी भिगो के रख दिया है 10-15 मिनट के लिए। अभी थोड़ी देर में ही मैंने पकाऊंगी। और मैं बनाने जा रही हूँ जो मूंग दाल की बड़ियाँ होती हैं उसकी सब्ज़ी, प्याज और थोड़े चटपटे मसाले के साथ में। तो यहाँ पे मैंने अपने मूंग दाल की बड़ियों को 2 चम्मच तेल में, सरसों के तेल में हल्का सा रोस्ट करके रख लिया। ये ऐसे ही बनाई जाती हैं। और यहाँ पे मेरी दाल की प्रिपरेशन हो रही है। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 कप दाल मैंने यहाँ भिगो के रखी है पानी में, मतलब वॉश करके रख ली है। और मैंने उसके लिए 3 कप यहाँ पे 3 से 3.5 कप पानी लिया था। उसमें मैंने एक छोटा सा प्याज छोटा छोटा कट करके, 2 हरी मिर्च और एक छोटे साइज़ का टमाटर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट के साथ में 1 चम्मच सरसों का तेल डाला मैंने उसमें। और उसको मैंने थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख दिया। मैं ऐसे ही दाल बनाती हूँ। अभी इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, इसमें मैं अपनी दाल ऐड कर देती हूँ। और दाल में भी 1-2 मिनट और बॉयल आ जाए दाल डालने के बाद, उसके बाद मैं अपनी सीटी लगाऊंगी। तो मेरी दाल 3 से 4 सीटियों में पक जाती है आराम से। और यहाँ पे जो मुझे बढ़िया बनानी है उसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मेरी बढ़िया है। तो उस हिसाब से मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2-3 लाल मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़े थोड़े से मसाले। वैसे इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप लोग मेरी वेबसाइट पे विज़िट करिएगा, आपको मिल जाएगी। बड़ी दो प्याज़ा, मूंग दाल बड़ी दो प्याज़ा के नाम से है। तो अच्छे से मैं मसाला भून रही हूँ, 3-4 मिनट हो गया है। और अब बारी है हमारी बड़ियों को ऐड करने की। तो हम इसमें आराम से अपनी बड़ियाँ डाल देते हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बेलना शुरू कर दिया है, सेकना भी शुरू कर दिया है। अभी 2 रोटियाँ मेरी बेली है मैंने, एक को मैंने तवे पे डाल दिया है और एक मेरी नीचे अभी बेली हुई रखी है। तो इसको अच्छे से मैं आँच पे सेकती हूँ, मुझे आँच की रोटियाँ बहुत पसंद हैं। हल्की सी जल गई है, कोई बात नहीं, दूसरी अच्छी बन जाएगी। तो इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है दोनों तरफ से। इसको डालेंगे कैसरोल पे, तो वापस से तवा में रख देती हूँ और दूसरी रोटी लाती हूँ। रोटी भी डाल दी है मैंने अपने तवे पे, एक साइड से अच्छे से सिक गई है, अब टर्न कर दिया है। वैसे तवे पे भी बहुत अच्छी रोटियां सिक जाती हैं। मैंने एक बार आँच पे और तवे पे कैसे रोटियां परफेक्टली आप बना सकते हैं इसका भी वीडियो दिया है, मेरे वेबसाइट पे आप विज़िट करिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छे से ये सिक जाए दोनों तरफ से, उसके बाद मैं इसको फुला के दिखाती हूँ आपको। दोनों तरफ से हो गई है और मेरी दाल, चावल और मेरी जो सब्ज़ी बन रही थी वो भी अच्छे से बन गई है। अभी अभी मैंने चूल्हे तीनों के बंद कर दिए हैं और आ गई हूँ रोटियों पे। और झटपट बनाना है मुझे रायता, रायता विशेष नहीं है, वैसे मैं कई तरह के रायते आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरी दूसरी रोटी भी बन गई है, बाकी की बना के रख लेती हूँ। तो मेरी यहाँ चपातियाँ बन गई हैं, रोटियाँ मेरी 8 से 10 रोटियाँ बनाई हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने अपने तीनों कुकरों को खोल के
रख लिया, अभी हिलाया नहीं है। ये मेरे चावल बन गए हैं और ये दाल है बहुत खूबसूरत सी, और ये मेरी बड़ियों की सब्जी। इसको मैंने 2-3 मिनट सीटी के बाद भून भी लिया है, वैसे ये अच्छे से पक चुकी थी। चलिए सबको मैं अच्छे से थाली में सजा के तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी बहुत ही टेस्टी सी रायता सब्जी दाल चावल रोटी वाली थाली तैयार है। आप लोग देख सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं तो जा रही हूँ खाने, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप लोग भी आ जाइए। चलिए फिर, आप लोग भी इस तरह से डिनर लंच ब्रेकफास्ट मेन्यू सेट करके बनाया कीजिए, बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।